दरभंगा में रुकमणी पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने किया लूटपाट और मारपीट। विश्वविद्यालय थाना के गंगवारा में स्थित पेट्रोल पंप पर कुछ अपराधियों ने लूटपाट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। इसी को लेकर आज थाना पर नीरज गुप्ता ने आवेदन देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत रुकमणी पेट्रोल स्टेशन गंगवारा में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूं। दिनांक 5/2/2023 की संध्या लगभग 7:45 अचानक से 3 मोटरसाइकिल पर 5 अपराधी सवार होकर पेट्रोल पंप पर आए। अपराधी ने लूटने के नियत से आया और रंगदारी मांगने लगा। विरोध करने पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी गौरव कुमार पिता रंजीत मंडल को जान से मारने की नीयत से मारपीट कर गंभीर कर जख्मी कर दिया। डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। 3 घंटे का बाद पुनः अपराधी ने फोन पर जान से मारने की फिर से धमकी दिया है। इन 5 अपराधियों में से 2 को मैंने पहचान लिया, जिसमें एक का नाम माधव यादव पिता इंदल यादव है, जबकि दूसरे का नाम राहुल यादव पिता इंदल यादव है। दोनों पहचाने हुए अपराधी ग्राम सारा मोहनपुर थाना सदर जिला दरभंगा के रहने वाले हैं। एवं ने 3 अपराधियों का चेहरा देखने पर मैं पहचान सकता हूं। इन सभी अपराधियों का पूर्व में शराब माफियाओं में भी अपराधी के इतिहास। गंगवारा जगह है और ये भारत हिंदुस्तान के तौर पर, और यहां पे हुआ क्या सर, पहले वो तेल बोला देने के लिए, तेल हम लोग दे दिए। तेल देने के बाद में वो क्या बोला, 5 मिनट के बाद पैसा दे रहा, जब पैसा मांगे थे। उसके बाद वो बोला कि मैं घर से ला करके देता, फ़ोन नंबर दे करके गया। उसके बाद हम लोग शाम हो गया, नहीं आया तो फ़ोन किए, हम लोग को हिसाब देना पड़ता है। उसके बाद नहीं आए वो लोग, तो हम लोग 2 स्टाफ गए थे वहाँ, तो वो लोग गाली उली दिया, तो हम लोग चले गए यहाँ। तो भी हम लोग मालिक को तब तक कुछ नहीं बोले, ना हम लोग कुछ बोल करके अपना आ गए यहाँ पे। उसके बाद कल शाम को वो लोग आए और हम लोग को गाली देना चालू कर दिया। माधव चोर क्यों गया मेरा घर पर पैसा लेने के लिए? कितने बजे की घटना है ये? 7 बजे की घटना है। कितना तेल दिया था? तेल ओ 4500 या 5000 का। आगे फिर क्या हुआ? आगे वही झगड़ा लड़ाई। उसके बाद जो हमारे स्टाफ थे जो दिए थे तेल, उनको साइड कर दिया गया काउंटर में, उसको बोला अंदर में रहो। मारपीट हुआ जी? उसके बाद वो पूरा पिया हुआ था, काउंटर से बोलता तू बाहर निकल माधरचोद, तुमको ख़त्म कर देंगे। संजय सराबी विधायक है, उसको तो हमको मारते हुए टाइम नहीं लगा। तो ऐसे ऐसे उल्टा सीधा जो उसका मन में आता रहा। कौन बोल रहा था ये बात? कौन था वो? वो यहीं का है, उसका नाम सुनते हैं कि माधव बोल करके। क्या काम करता है वो? ये तो पता नहीं। आगे फिर क्या हुआ? आगे उसके बाद क्या हुआ कि वो काउंटर खोल रहा था, हम लोग उसको नहीं निकलने दिया अपना स्टाफ को, वरना मारता वो लोग। 6-7 लड़का था, पुलिस आई थी। सुनिए ना, उसके बाद हम लोग सब स्टाफे थे, तो हम लोग को भी हद से ज़्यादा हो गया बर्दाश्त। जब हाथी वो लोग उठाने लग गया, तो हम लोग भी 2-4 आदमी, हम लोग को भी आया लड़का, तो हम लोग भी तब झगड़ा चालू हो गया। कुछ मारपीट हुआ? हाँ मारपीट हुआ। और आगे कुछ कोई घटना घटी? नहीं, तब तक प्रशासन आ गए। कौन सा गाड़ी से आए थे? वो बुलेट से आए थे, बुलेट ले गए थाना में। थाना ले गए? अच्छा, जो जिसके साथ मारपीट हुआ, जो तेल ले गया, उसको आप पहचानते हैं? हाँ, सूरत से तो पहचानते हैं। क्या नाम है उसका? उसका नाम माधव बोल करके। घर कहाँ है, कुछ है जानकारी? घर ये क्या तो बोलते हैं, ये क्या है, ये गांव का नाम सहारा मोहनपुर। सहारा मोहनपुर। घटना कितने बजे की है? ये 7 बजे की। और तेल कब ले गया वो यहाँ से? परसों लिया था, कम से कम वो 12-2 बजे के बीच। विधायक को भी गाली दे रहा जी? जी। क्या क्या कह रहा था के बारे में? उनको मारते हुए हमको टाइम ही नहीं लगा, तुम लोग क्या है, तुम हमारे घर पे क्यों गया पैसा मांगने।